हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ऐसे प्लांट्स के ऊपर है जिनको मैंने कटिंग से और डिवाइड करके अपने जो है न्यू प्लांट बनाए हैं वो शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो अगर आप चाहो तो आने वाले समय में, जैसे अभी जून ख़त्म हो रहा है और जुलाई आएगा, तो जुलाई में जो है बारिशें होती हैं, बरसात का मौसम होता है, तो बहुत ही ईजिली जो हमारे प्लांट है, न्यू प्लांट जो हम कटिंग से या डिवाइड करके बना सकते हैं, तो वही शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में। तो अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं या डिवाइड करके प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस तरह के प्लांट जो है लगा सकते हैं आप। सबसे पहला प्लांट है देखिए अडेनियम। अडेनियम की कटिंग आप जून एंड में, जुलाई में बहुत ही इजीली इसका जो प्लांट है वो तैयार कर सकते हैं कटिंग लगा के। तो देखिए, ये मैंने भी एक प्लांट की कटिंग लगाई थी, देखिए छोटी सी ब्रांच लगाई थी, तो इसको मैं अभी आपको निकाल के बताती हूँ। देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से जो रूट्स हैं वो बनी हुई हैं। तो ये इसको मैंने लगाया था, जो रेत होता है उसमें इसकी कटिंग लगाई थी। और देखिए, इसको मैंने पहले जो है 4-5 दिन जो है कटिंग को काट के सूखने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने इसको रेत में लगा दिया और ज़्यादा पानी भी नहीं देती थी। तो फिर देखिए इसकी कितनी अच्छे से 1 महीने में ही रूट्स बनी गई हैं। तो अगर आप चाहो तो अडेनियम की जो कटिंग है आप इस समय लगा सकते हैं, और आप बहुत ही आसानी से जो है गर्मी के दिनों में या बरसात के सीज़न में इसका जो प्लांट है तैयार हो जाता है कटिंग से। तो नेक्स्ट प्लांट जो है जिसकी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं, और देखिए मैंने भी लगाई थी इसकी कटिंग, तो बहुत ही इजीली इसकी जो कटिंग है लग जाती है, और मेरा जो एक प्लांट है बहुत ही अच्छे से उसमें रूट्स भी बनी हुई हैं। तो देखिए, ये चंपा या प्लूमेरिया का प्लांट है। तो इसकी कटिंग जब मैंने लगाई थी तो आपसे पूरा वीडियो भी शेयर किया था, और देखिए मैंने पहले एक कटिंग लगाई थी, दो कटिंग मैंने बाद में लगाई थी, जो पहले वाली लगाई थी 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले, तो वो मैं आपको निकाल के बताती हूँ। तो बहुत ही इजीली जो है आपका प्लांट इन दिनों कटिंग से तैयार हो जाता है, इसकी रूट्स भी गर्मी के दिनों में जल्दी से बन जाती हैं। तो देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, और देखिए कितनी अच्छी से इसकी जो रूट्स है वो बन गई हैं। कुछ निकालते वक्त मेरे से छोटी छोटी इसकी रूट्स टूट भी गई हैं। तो चंपा की जो कटिंग है बहुत ही ईजिली लग जाती है, सिर्फ आपने इसको कटिंग को काट के 2-3 दिन जो है सूखने के लिए रख देना है। जब आप तुरंत कटिंग लगाएंगे तो फिर उसको आपने पानी नहीं देना है। मैंने ऐसे ही लगाई थी, कटिंग को लगा के 3-4 दिन ऐसे ही सेमी शेड एरिया में रख दिया और फिर इसको पानी नहीं दिया था। तो देखिए कितने अच्छे से इसकी जो रूट्स हैं वो बन गई हैं। तो इस समय आप जो है इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाने से देखिए फ़ायदा ये होता है, एक हमारा प्लांट कटिंग से तैयार हो जाता है, तो जहाँ से हमने कटिंग ली है वो प्लांट हमारा बुशी हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ से कटिंग काटी थी, तो वहाँ से एक ब्रांच की जगह 3-3 न्यू ब्रांचेज निकली हुई है, तो जो हमारा प्लांट है वो बुशी बन जाता है। देखिए जहाँ जहाँ से भी मैंने इसकी ब्रांच काटी है वहाँ से जो 2-2, 3-3 या 4-4 शूट्स निकली हुई हैं, तो उससे हमारा जो प्लांट है वो बुशी हो जाता है। और देखिए मैंने इसको दोबारा इसी गमले में लगा दिया। तो जो है चंपा की कटिंग आप इस समय बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, और इसका जो प्लांट है इजीली जो है कटिंग से इन दिनों तैयार हो जाता है। तो देखिए ये रिबन ग्रास का प्लांट है, जो मैंने 5-6 दिन पहले मेन प्लांट से डिवाइड करके बनाया हुआ है। तो अगर आपके पास रिबन ग्रास का प्लांट नहीं है तो आप कहीं से जो इसके छोटे छोटे प्लांट है वो ले सकते हैं, और डिवाइड जहाँ आपके पास ऑलरेडी ही है तो आप इस समय जो है जून के एंड में बरसात में इसके प्लांट को मेन प्लांट से डिवाइड करके आप एक से ज़्यादा अपने गमले तैयार कर सकते हैं। नर्सरी लेने जाएंगे तो ये प्लांट आपको 60-70 रुपये का मिलता है। बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो सेमी शेड एरिया में जहाँ सुबह के 1-2 घंटे की धूप में अच्छे से चलता है। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए कुछ एग्लोनिमा की कटिंग मैंने जो है पानी में लगाई थी, और देखिए इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से हो रही है, और एक में तो बहुत ही अच्छे से रूट्स भी बनी हुई हैं। तो अगर आपकी कटिंग जो है नहीं लगती है तो एग्लोनिमा की, तो आप इस तरीके से उसको पानी में रखिए, पानी 1-2 दिन के बाद चेंज कीजिए, न्यू पानी इसमें डालिए, तो देखिए बहुत ही ईजिली इसमें जो है रूट्स बन जाती हैं। और देखिए एक मेरी कटिंग कितनी अच्छे से इनमें रूट्स बनी हुई हैं। तो जब इसकी जो रूट सिस्टम है अच्छे से डिवेलप हो जाए तो फिर आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। जब तक रूट्स अच्छे से नहीं बने तब तक आप इसको पानी में ही रखिए, और 2-3 दिन जो है पानी को चेंज करना है, पुराना पानी निकाल देना है और नया पानी इसमें फिर से डालना है। तो देखिए एक प्लांट मेरा छोटा सा तैयार हो गया है कटिंग से, तो ये डायफनबेकिया का प्लांट है। तो देखिए पहले मेरे पास एक ही प्लांट था और एक देखिए छोटा सा और तैयार हो गया। तो अगर आप इस समय डायफनबेकिया की कटिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली इसका जो प्लांट है इन दोनों कटिंग से लग जाता है, क्योंकि इस समय इन प्लांट्स का जो है ग्रोथ का पीरियड होता है, तो कटिंग इनकी जो है इस समय जल्दी से ग्रो करती है। तो देखिए ये मेरा एक छोटा सा प्लांट है जो कटिंग से तैयार हो गया है। तो इस समय आप जो है डायफनबेकिया की भी कटिंग लगा सकते हैं, जिस जैसे मैंने प्लांट तैयार किया आप भी कर सकते हैं। तो देखिए ज्यूफोरबिया मिली की एक वाइट कलर का और एक छोटे छोटे फूल वाला रेड कलर का प्लांट जो है मैंने कटिंग से तैयार कर लिया है।
तो रेड वाले की जो मैंने कटिंग लगाई थी इसका भी मैंने वीडियो शेयर किया था आपसे, और देखिए मेरा जो प्लांट है रेड कलर वाला कटिंग से तैयार हो गया, और इसमें जो है न्यू लीव्स और इसमें देखिए फूल भी खिल रहे हैं। तो इसकी कटिंग को आपने पहले काट के रख लेना है, एक दो दिन सूखने के लिए रख दीजिए, जहाँ अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो फिर पानी कम देना है, और सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिलती रहे, सिर्फ ज़्यादा पानी नहीं देना है, तो फिर इसकी कटिंग भी कभी भी फेल नहीं होती है, जो फोरबिया मिलेगी। तो देखिए जेड की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली लग जाती है, और 15-20 दिन में या हफ्ते 10 दिन में इसकी जो रूट्स हैं वो बन जाती हैं। इसकी कटिंग आपने रेत में और कोकोपीट में लगाइए, जहाँ उसमें थोड़ी सी गार्डन सॉइल डाल दीजिए, तो देखिए बहुत ही ईजिली जो है प्लांट तैयार हो जाता है। और देखिए मैंने इसकी कटिंग बॉटल्स में लगाई थी, तो देखिए बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। अभी मैं इनको धूप में भी रखती हूँ, सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि इनको जो है आपने जो है बारिश में नहीं रखना है, जहाँ इसको ज़्यादा पानी मिले। तो इस तरीके की कटिंग आप छोटी छोटी कटिंग लीजिए और लगा दीजिए, और आपके जो प्लांट है वो तैयार हो जाते हैं। और देखिए एक और गमला है जो मैंने कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं, ये भी जेड प्लांट। देखिए ये रियो के प्लांट है, मेरा जो रियो का प्लांट है ओले पड़ने की वजह से सारा ख़राब हो गया था, तो इसकी मैंने दोबारा से 15-20 दिन पहले कटिंग लगाई थी। तो देखिए जहाँ डिवाइड करके जो प्लांट है वो लगाए थे, तो देखिए जितने भी लगाए थे मैंने सभी के सभी जो है लग गए हैं, तो इनमें जो न्यू ग्रोथ है वो भी शुरू हो गई है। तो अगर आप परियो का प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस समय लगा सकते हैं। तो देखिए ये प्लांट है अगेब का, तो अगेब का प्लांट मैंने कुछ दिन पहले ही जो है डिवाइड करके लगाया है बॉटल्स में, जो ये वेरीगेटेड वाला है। तो अगर आपके पास अगेब का एक प्लांट है डिवाइड करके लगाना चाहते हैं तो इस समय लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी रफ टफ प्लांट होता है, सेमी शेड एरिया से लेके फुल धूप में ये अच्छे से चलता है। तो देखिए ये हैं जो लक्ष्मी कमल के छोटे छोटे प्लांट हैं, जो मैंने मेन प्लांट से अलग करके छोटे कप में लगाए हुए हैं, जो काफ़ी मग रहते हैं उनमें लगाए हुए हैं, जहाँ कुछ छोटे गमले में लगाए हुए हैं। ये देखिए ये वाला मेन प्लांट है, इसी से छोटे छोटे प्लांट लेके मैंने जो अलग अलग गमलों में लगाए हुए हैं, जिसके मैंने 5 या 6 गमले जो है तैयार हो गए हैं। तो अगर आपके पास लक्ष्मी कमल नहीं है, कहीं से कटिंग मिल जाती है छोटा सा प्लांट, तो ला के इस समय लगा सकते हैं। इसको भी आपने अच्छी ब्राइट लाइट में रखना है, इस समय इसको धूप में नहीं रखना है, और हमेशा इसका पानी का ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है, जब मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखे फिर इसको पानी दे देना है। तो देखिए ये ड्रेसिना का प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया है, एक छोटा सा प्लांट देखिए, पहले इसको मैंने पानी में रखा था, जब इसमें थोड़ी थोड़ी रूट्स बन गई थी फिर मैंने इसको लगा दिया था गमले में। तो देखिए ये अभी ये बड़ा होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर आप इस समय ड्रेसिना की कटिंग लगाना चाहते हैं जून के एंड में या जुलाई में, तो बहुत ईजिली लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को पहले आप पानी में रखिए फिर लगा दीजिए। और देखिए एक और मेरा बेबी प्लांट है इसका ड्रेसिना का ही, तो ये मैंने मेन प्लांट से अलग करके बेबी प्लांट्स लगाया हुआ है। तो जब आप इनको कटिंग से या जो बेबी प्लांट को अलग करके लगाते हैं, तो आपको जो है अपने प्लांट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप अपने पास भी रख सकते हैं या किसी को भी दे सकते हैं। तो देखिए ये कप में मैंने लगाई थी कटिंग जो है पर्पल हर्ट की, और देखिए ये बहुत ही अच्छे से चल गया, कोई 1 महीना पहले मैंने लगाई थी ये कप में, तो इस समय ये बहुत ही अच्छे से स्टेबल हो गई है और ये चलने भी लगी है। इसको मैं सेमी शेड एरिया में रखती हूँ, जहाँ इसको दिन भर जो अच्छी ब्राइट लाइट मिलती है और कुछ 10-15 मिनट की धूप भी मिलती है। फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।